अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मेरा सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सलूजा पिछले 40 वर्ष से उज्जैन में नर्सिंग होम का संचालन कर रही हूँ। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। उससे पहले मैंने 10 साल इंग्लैंड में काम किया और अब मैं महिलाओं के प्रति समर्पित हूँ, क्योंकि महिलाओं की चाहे वो हेल्थ हो या उनके एजुकेशन हो, इसके लिए मैं महिलाओं की सहायता करती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी महिला जब तक शिक्षित नहीं होगी, अपने अधिकारों को नहीं जान पाएगी, उस पर अत्याचार होते रहेंगे। तो महिला दिवस पे हम सब महिलाओं को एक संकल्प लेना चाहिए कि जो भी महिलाएं जिनके पास अशिक्षित हैं या जिनके पास कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, उनको हम हेल्प करें। क्योंकि सशक्तिकरण तभी पॉसिबल है जब हम सब महिलाएं जुट के उन महिलाओं को हेल्प कर सकें। महिला दिवस मनाया जाता है क्योंकि बहुत साल पहले अमेरिका में महिलाओं ने 8 मार्च के दिन एक प्रोटेस्ट किया था कि महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार होने चाहिए। और हमारे देश की विडंबना है कि अभी भी 80% महिलाएं अशिक्षित हैं और उनके अधिकार के बारे में उनको कुछ नहीं मालूम। तो मेरा ये आप सबसे अपील है कि आप इन महिलाओं को एजुकेशन दें, इन बच्चियों को अपने महल्ले की बच्ची, अपने भाई की बच्ची, किसी को भी आप अडॉप्ट करके उसकी शिक्षा के लिए उसको प्रेरित करें, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। मैं डीपी ज्वेलर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि उन्होंने इस तरह की एक कैंपेन चलाई है महिला सशक्तिकरण के लिए, और आगे इसी तरह से महिलाओं को प्रोत्साहित करते रहें और महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।